पता नहीं घरेलू परेशानी है उनको या क्या है, काफ़ी ना यहाँ मदद कर रहे हैं खाने से पैसे से भी उनको, लेकिन वो पैसे देती हैं अपने कुछ बताती नहीं है। और आज हम मीडिया वालों को भी हमने बुलाया, भाई किसी के घर की हैं, कहाँ की हैं, एड्रेस भी कुछ नहीं बता रही हैं, कह रही हैं आप ज़्यादा अगर करोगे तो मैं हाथापाई को उतर जाऊँगी, ये है वो है। अपनों की सताई 74 वर्षीय एकल महिला सड़क पर बिता रही है जीवन। नसीरबाद रोड सात पीपली बालाजी मंदिर बस स्टैंड पर कई दिनों से बैठी है मिस राजेश्वरम कुमारी। अपनों की सताई एक 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो अपना नाम मिस राजेश्वरम कुमारी बताती है और राजपूत समाज से अपने आप को बताते हुए कहती है कि जिसने मेरे साथ यह किया वह भी यहीं भोगेगा। जितनी बातचीत हॉरिजन हिंद न्यूज़ के कैमरामैन नरेश गौड़ ने उनसे की, उससे लगा कि वह ना तो वृद्धाश्रम में रहना चाहती है, ना ही उन्हें किसी की सेवा और सहायता की ज़रूरत है। स्वाभिमानी महिला किसी के भी ज़्यादा पूछताछ करने से चिढ़ जाती है। ऐसे में पता चला कि उन्होंने जयपुर के टैगोर पब्लिक स्कूल में अध्यापक की नौकरी भी की। उनकी सेवा और सहायता के लिए पहल एक सेवा से शैलेश गर्ग, समाजसेवी आरती चौहान, कुशाल तोमर ने काफ़ी समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की बात सुनने को राजी नहीं। उनके पास में पैक्ड फूड भी है और पैक्ड पानी की बोतलें भी। अपना घर गृहस्थी का सारा सामान सड़क किनारे लेकर बैठी इस बुजुर्ग महिला की सेवा करने के लिए अगर इस खबर को देखने के बाद कोई समाजसेवी या एनजीओ इस बुजुर्ग महिला की मदद कर सके तो करके देखे। सर्दी के मौसम में ऐसे सड़क किनारे जीवन गुजारना जानलेवा भी हो सकता है। आप देखो वृद्ध आश्रम नाम, अरे आप बच्चे आपसे जवान मियाँ बीबी से बोलो आश्रम में जवान मियाँ मतलब प्रेगनेंसी भी होती है, महावारी भी होती है, दूसरा वो वृद्ध आश्रम का मुझे एक तरह से लोग बात मुफ्त का कर या डोनेशन का कुछ फॉरन वाले का कुछ डोनेट करे अरब पति वो माल खाते पड़े सरकारी गलोच कर मुझे कहा क्या बोल कुत्ती रात में क्यों कुत्ती तो फिर भी समझदार समझदार पापा जी पर जो कुछ पाई उसमें लोगों की नज़र में तो बहुत एजुकेटेड कहलाती है। मैं कहती हूँ भगवान सर मैं एजुकेटेड मेरी कोई दसवीं की आठवीं की हो नहीं पर बोल ले तो कुछ वही है। मुझे यहाँ के कोई लोगों ने आपको देखा है तो मैं तो मुझे भी फोन किया कि यहाँ पर कोई लेडीज है तो आते हैं खाना ले रहा हूँ एक लेडीज और एक बच्चा भी आया था उससे पूछा क्या है माता जी, मैंने मुझे भी नहीं पता मैं आया हूँ तो आपके लिए दूध की थैली और पानी की बोतलें वगैरह लाए थे। आप खोल सब मैं इसको खोलना चाह रही थी खोलूं मैं फिर मेरी उंगलियों को जोड़ नहीं किया। मैं खोल के दूं पानी पियो तो आप नहीं पानी दो पीने भरी पड़ी और पानी वानी तो पियो आप खाना है ना नहीं पानी जो कर यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा है दिन में रात को तो जाकर उतर कर आती दिन में आओ तो मुश्किल हो जाती। एक्चुअली क्या है ये सात पीपली बालाजी मंदिर के पास एक बस स्टैंड है, यहाँ तीन चार दिन से एक लेडी पड़ी हुई है, उनको खाने वाने के लिए भी पूछते हैं सब चीज़ के लिए, पता नहीं घरेलू परेशानी है उनको या क्या है, काफ़ी ना यहाँ मदद कर रहे हैं खाने से पैसे से भी उनको, लेकिन वो पैसे देती हैं अपने कुछ बताती नहीं है। और आज हम मीडिया वालों को भी हमने बुलाया, भाई किसी के घर की हैं, कहाँ की हैं, एड्रेस भी कुछ नहीं बता रही हैं, कह रही हैं आप ज़्यादा अगर करोगे तो मैं हाथापाई को उतर जाऊँगी, ये है वो है। वो मानव धर्म होने के नाते और मैं भी एक पहल सेवा सामाजिक संस्था से हूँ तो इस वजह से मैंने कहा मेरा घर सामने पड़ता है तो नो रेस्पॉन्स। अब इसको वृद्धाश्रम वालों को भी बुलाया, आज वो आएंगे भाई साहब। वृद्धाश्रम के लिए क्या बोलते हैं? नहीं नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, बच्चे कितना है कुछ नहीं बताती हूँ, एक बीइंग ए लेडी थोड़ा सा आप लोगों के उससे मीडिया के माध्यम से कुछ भी अगर इनकी हेल्प हो जाए तो अच्छा है। आज पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे
ठीक है ना। इनके लिए खाना लेके आए थे मानव धर्म के कारण तो, बट ये खाना भी नहीं ले रही है, पानी की बॉटल भी नहीं ले रही है, और कुछ बता भी नहीं रही है अपने बारे में कि हमारी इस तरह से मदद करो, ऐसा कुछ बता भी नहीं रही है। चार पाँच दिन से कोई वैन के अंदर गाड़ी में उसको, बुढ़ी सी औरत है इसको, और शाम को 6:30 बजे करीब इसको उतार के गए, सामान वगैरह सारा इसका यहाँ मंदिर सात पिपली बालाजी मंदिर के यहाँ उतार के चले गए। फिर हमसे पूछताछ करी हमने उससे, तो उसने कहा मेरे को एक रिश्तेदार आएंगे तो वो उनके साथ जाऊंगी मैं। मैंने कहाँ जाना है कि नहीं, उनको गाड़ी वालों को बता रखा टैक्सी वालों को, वो लेके जाएंगे। फिर हमने खाने वगैरह की इसको ऑफ़र करा तो सब मना करती है कि नहीं खाना है। फिर हमने कहा मेरे पास पैसे हैं, पैसे से खाऊंगी, और सामान भी काफ़ी है, तो हम ये चाहते हैं कि चोरी वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि रात में कई ऐसा उठाई गिरे वगैरह आते हैं, तो कल को कुछ हो जाए तो सर हम आज पड़ोस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि आपने ध्यान नहीं रखा। तो हम यही चाहते हैं प्रेस वालों से, मीडिया वालों को, कि जहाँ पे भी है व्यवस्था कर सकते हैं। लेडीज़ है, लेडीज़ है, एज में भी है।